कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर अगले ही कुछ घंटों में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। कई सालों बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस रेस में शामिल नहीं है। अध्यक्ष चुनाव से पहले राजस्थान से लेकर दिल्ली तक माहौल पूरी तरह से गर्म रहा। इस पूरे मामले में सोनिया गांधी ने नेताओं से मुलाकात कर काफी फोकस रहा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया कि प्रियंका गांधी भी इस पूरी प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अपना इस्तीफा दे दिया था और यह साफ कह दिया था कि गांधी परिवार का कोई भी अध्यक्ष नहीं होगा। इसके बाद प्रियंका गांधी पर पार्टी कार्यकर्ताओं की नजरें टिकी थी। प्रियंका को यूपी की जिम्मेदारी दी गई, हालांकि वहां कांग्रेस कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद कुछ नेताओं ने प्रियंका को अध्यक्ष बनाने की मांग की, लेकिन वह इससे दूर रहे। राहुल गांधी के इस बयान पर भी सामना करना पड़ा, जहां उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का कोई भी अध्यक्ष नहीं बनेगा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बीच सवाल उठ रहा था कि आखिर प्रियंका गांधी इस पूरी पिक्चर में गायब क्यों हैं? लेकिन अब कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी पूरे चुनाव में पर्दे के पीछे से अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रियंका ने सुनिश्चित कर रखा है कि कांग्रेस को कोई मजबूत अध्यक्ष मिले। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के साथ ही प्रियंका की नजरें राजस्थान पर भी हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका सचिन पायलट को राजस्थान की सत्ता सौंपने का मन बना चुकी हैं। साल पहले जब पायलट ने बगावत की थी, उससे मनाने के लिए भी बड़ी भूमिका प्रियंका गांधी की थी। माना जा रहा है कि पायलट की वापसी इसी शर्त पर हुई थी कि आने वाले वक्त में उन्हें राजस्थान की कमान सौंपी जा सके। इसलिए अब प्रियंका का मानना है कि पार्टी को पायलट के नेतृत्व में अगला साल होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ना है। राजस्थान में आगे क्या होने वाला है, इसके बाद भी प्रियंका गांधी की क्या भूमिका रहेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।